बताया। ठीक है तो आपको सुबह अभी हम पहन चुके हैं ये लाइव Hey everyone, welcome back to आम बच्चा व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज पता नहीं कैसे मेरे दिन जल्दी खुल गई, सो बस मैं जल्दी से मैंने नहाई धोई, सो अब बनाऊंगी मैं नाश्ता। और आज बना रही हूँ मैं नाश्ते में क्या, कुछ स्पेशल, झुंगूर होता है पहाड़ों में तो उसकी मैं खीर बनाऊंगी। और आज है कुछ स्पेशल, वो आपको शाम तक पता चल जाएगा। सो गाइस फिलहाल मैं करती हूँ नाश्ता बनाना स्टार्ट और मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी तो फिलहाल सबके सब सोए हुए हैं, तो उनके उठने से पहले मैं रेडी कर देती हूँ नाश्ता। सो बस बनाते हैं नाश्ता। तो अभी सबके सब उठ गए, यू उठ गया, युवा गुड मॉर्निंग माय बेबी, उठ के नीचे आ गया, मतलब गुड मॉर्निंग माय बेबू। ये देखो ये 4 बजे उठने वाले लोग हैं जिनको 4 बजे उठ के मॉर्निंग बीच जाना था। मैं तुम्हें पता है मैं 6 बजे की उठी हुई हूँ और बाहर देखो मैंने इतना फॉग लगा हुआ है, मैंने फोटो भी खींची, क्या करती हूँ स्टेटस भी डाला। और देखो ये गाइस देखो ये है वो लड़की जिसको 4 बजे उठना था, मॉर्निंग भी जाना था। तुमसे ही तो मेरा बेटा, मेरे बेटे ने मेरे को 5:30 बजे उठा दिया था, है ना करना, भले ही वो फिर सो गया सब। हाँ ऑफिस सबके सब को मगर एक ही आदमी जिसने बोला था मैं जल्दी उठूंगा, ये देखो ये भी जोरा को मगर के था। हाँ कुंभ कर के तो कितने बार उड़ गए सब, ये भी चला गया अपने पापा को उठाने। यू जय जय कर दे पापा, जय जय कर दी मैं बेच, यू जा रहा मंदिर में पूजा करने। लू सो ये जंगल तो ऐसे रहेगा। सो मैं बनाती हूँ नाश्ता और मिलते हैं थोड़ी सी देर में बस। Later that same evening. सो ये अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोग जा रहे हैं काइकिंग के लिए, जो हमारे घर में जो गेस्ट आए ना हम उनको लेके जा रहे हैं काइकिंग के लिए। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, हमको निकलना था 4 बजे और हम लोग निकल रहे हैं 4:30। इन दोनों की वैसे लेट हुए हैं, शक्ल दिखा दो अपनी अपनी। हाँ दिखा दो भाई इन दोनों के ब्लॉग में जो बताती है कल बंदे की वजह से लेट हुए थे हम और आज सदी की वजह से लेट हुए अभी एक हफ्ते और आज लेट कराने का जिम्मेदार यूवी भी है क्योंकि ये टाइम से नहाता नहीं है। मेरा बच्चा सबसे पहले रेडी हुआ था यूवी, फिर मेरा ड्राइवर, होगा होगा चिंता मत करो चल।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं काइकिंग के लिए इस जगह पर। ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे हम सेकंड टाइम आ रहे हैं, मतलब अभी हम आ रहे हैं 2 साल के बाद। सो गाइस अभी हम पहन चुके हैं ये लाइफ जैकेट और अब हम जाएंगे इस नदी में काइकिंग के लिए। ये रे ये इसको देखो जरा। एक सेकंड। तो भैया अभी हम देंगे डेमो। सो छोटे बच्चे का भी ये तो फेंक देगा। ये भी देखो, वाओ नाइस, यू नो टेक इट, हाँ पकड़ो, यस गुड, देखो ऐसे पकड़ो, वाओ पकड़ो उसको, हाँ ऐसे शाबाश। इससे पहले आपने ट्राई किया ना? हाँ पहले तो किया है। ये बिल्कुल इक्वल मार्किंग होता है। ठीक है, तो आपको राइट में जाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन करना पड़ेगा, लेफ्ट में। अच्छा, राइट में जाने के लिए लेफ्ट वाला करना है, ओके। तो अगर लेफ्ट में जाना है तो राइट में करना है। ठीक है, अगर आपको आगे जाना है तो आगे डिप कर जाएगा लेफ्ट, या अगर आपको राइट में जाना है तो आप लेफ्ट में ही करेंगे। अच्छा ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर आप झील में जा रहे हैं तो आपको रिवर्स करना है, इसको उल्टा करना है। अच्छा, रिवर्स को तो उल्टा ही करना है। हाँ हाँ हाँ, और पीछे से आगे खींचना है पॉइंट। ठीक है, या वील हैव योर डेमो फर्स्ट ट्राई हियर एंड वील हैव इट डाउन लेटर। ओके ठीक है, या और दोनों को एक साथ करना है आगे पीछे, ऐसा नहीं कि एक राइट कर रहे हैं। थैंक यू, या वो आपको टिप पे दिखता है, दिखाएंगे तब पता चलेगा जो भी बैठे हुए साथ में। पहले कौन जाए? बिल्कुल तू कर ले, करना कुलदीप को दे दो। सर मेरे को देखो, पूरा टर्न हो जाओ, पूरा टर्न। बेबी को आप इसको दो ना पहले, मुझे दे दो बेबी, मैंने ऑन किया हुआ है। ओके, कुछ मत करना बस, ये स्टिक आ जाओ। थैंक यू, चलो पकड़ो, आ जाओ बेटा, कम ऑन। तो पहले मैं बैठूं? मम्मा ऐसे जैसे कुर्सी पे बैठता है ना वैसे बैठो अंदर। चलो बेबी को मैं पकड़ूं? उसका पकड़ेगा, मेरे साथ आएगा वो नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, क्या पता आ जाएगा, एक बार फटाफट आएगा। अरे यार वो अभी नहीं आएगा ना, क्योंकि वो अभी चल, मैं भी ऐसे बैठूं, टर्न ना, और जैसे कुर्सी पे बैठते हैं ना वैसे बैठना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हाथ देख लो और ले आओ, अभी राइट पे जाएगा उस तरफ, आगे आगे ऐसे, या राइट और ले, और ले जाओ, और यूवी आगे देगा मेरे पास, यूवी यहां बैठ सकता है अंदर, नहीं बाद में उसको पकड़ेगा कौन, हिल गया तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बच्चा हिल गया तो। आप आगे दो, मम्मी को दो, हां हां डायरेक्ट कम ऑन बेबी, मम्मी से करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिट हियर सिट, बाजी बच्चे का और ले जाओ ना, नहीं नहीं मिलेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा वो, नहीं करेगा। इधर पहले ट्राई करो सर, रिवर्स वगैरह, रिवर्स लेफ्ट एंड राइट, बिल्कुल पूरी स्ट्रेट। ओके, 1 2 3 4 तो मैं करूं अभी, आप रिवर्स करो, मैं ऐसे लेके जाऊं, आ जाओ जाओ।
स्काइकिंग के बाद हम लोग आए हैं ओम लॉन रेस्टोरेंट। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है। सो हम पहले काइकिंग के बाद घर गए थे क्योंकि यूवी सो गया था। सो हमने कहा जब यूवी उठेगा तो हम आएंगे। तो हम अभी आए हैं ओम लॉन रेस्टो। ये फैमिली रेस्टो भी है और यहाँ आए हैं हम डिनर के लिए। काफ़ी अच्छा रेस्टो है, यहाँ पे हम आते रहते हैं वैसे। चल जल्दी कुन्ना। सो नाउ हमने चूज़ करी है ये वाली सीट। यहाँ पे थोड़ा ठीक भी था और यूवी भी एकदम कंफर्टेबली बैठ जाएगा। सो इसलिए हमने चूज़ करी है ये वाली सीट। एंड इसको देखो टेबल में जाके बैठा हुआ है। सो गाइस आज जो स्पेशल डे है वो ये है कि आज है मेरा बर्थडे है। सो इसलिए हम लोग आज बाहर आए हैं डिनर के लिए। एक्चुअली हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम लोग कहीं और जाएंगे, बट यूवी सो गया था और फिर मैंने भी कपड़े चेंज नहीं किए। मैंने कहा चलो ऐसे चलते हैं, डिनर करके वापस घर आ जाएंगे। सो हम इसलिए आए हैं बाहर आज डिनर के लिए बिकॉज टुडे इज़ माई बर्थडे। खाना मांग रहे हो, खाना दे दो हमको खाना। ये है वेज मंचाओ सूप। और क्या मंगाया था? दोनों एक जैसी है। एंड ये मंगाया था इन्होंने क्या, पनीर टिक्का। ये मंगाया हमने पनीर टिक्का। वाह यार नाइस। नो अच्छा आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे है तो इसलिए हम प्रॉन्स मंगाए हैं। ये मंगलवार था इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं है। सो नाउ हमने खा लिया है डिनर और बस अब हम चलते हैं घर की ओर।
सामने देखो सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और बर्थडे था बहुत ही अच्छा था, मतलब जो केक कटिंग थी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने ऐसा। और कल सुबह उठ के हम 5 बजे बीच में जाएंगे, बोल कौन रहा है जो 10 बजे से पहले नहीं उठने वाला, कौन आप। सो बस गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट शुभ रात्रि बाय 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 बोलो बाय।